नमस्कार, रानी किचन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कटहल की सब्जी बनाने का बिल्कुल आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें, चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो गैस पे रख दिया है हमने कढ़ाई और इसमें डाल दिया है तेल। कटहल के सब्जी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा तेल लिया है, क्योंकि कच्चा कटहल है तो इसको थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए, हमने कटहल को डाल दिया है, अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, ताकि कटहल जो है अच्छे से थोड़ा सा पक जाए, गल जाए, और बनाने में हमको कटहल की सब्जी ज़्यादा दिक्कत ना हो, आसान तरीके से बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, कटहल भी अच्छे तरीके से भून गया है। तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज का आलू, हमने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप केवल कटहल की सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप केवल कटहल की सब्जी ही बनाएं, आलू आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, आलू को भी थोड़ी देर भून लेना है। तो देखिए, सारी चीज़ अच्छे से भून गया है, तो इसको साइड में कर देते हैं और यहाँ पे कुकर रखेंगे, क्योंकि मैं कुकर में सब्जी बनाने वाली हूँ कटहल की। बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे डाल देंगे तेल। तो जैसे हमने कि कहा कि तेल थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें पड़ता है कटहल की सब्जी में, तेल गर्म होने के बाद हींग डाल देना है इसमें। और यहाँ पे तेज पत्ता हमने लिया है, कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि काली मिर्च डाल देंगे 5 से 6, और यहाँ पे इलायची है तो इसको तोड़ करके डालना है। तो ये देखिए, हमने तोड़ दिया है और इसको डाल देंगे इसमें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कटहल की सब्जी में। आप ये खड़े मसाले ज़रूर इस्तेमाल करें जब भी कटहल की सब्जी बनाते हों। और इसमें डाल देना है 1 चम्मच जीरा। तो जितनी सब्जी की क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप मसाले इसमें डालें। यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज के प्याज को इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, बस इसको डाल देना है और थोड़ी देर इसको हमें भून लेना है। तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का सा बस इसको भून लेना है। यहाँ पे हमने मसाले तैयार किए हैं, अदरक लहसुन हरी मिर्च का यहाँ पे हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, इसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी हमें डाल देना है। कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी कटहल की सब्जी बन करके तैयार होगी। तो इस होली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे डाल दिया है होममेड मसाला, मैंने घर पे ही मसाला गरम तैयार किया है। यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी का पाउडर डाल देना है, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है इसमें। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर इसको भूनने तक भून लेना है, ताकि मसाले जो है अच्छे से भून जाएं, तभी तो हमारी सब्जी बिल्कुल टेस्टी बन के तैयार होगी। तो मसाला जितना अच्छा भूनेगा उतनी अच्छी सब्जी बनेगी। तो देखिए, थोड़ी देर हमने इसको अच्छे से भून लिया है, तो टमाटर डाल देते हैं इसमें। तो आप टमाटर, अगर खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप टमाटर स्किप कर सकते हैं। बिना टमाटर के भी कटहल की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। नमक डाल देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा अच्छा सा पक जाए। तो ज़्यादा टमाटर को हमें गलाना नहीं है, थोड़ी देर हमें 1 से 2 मिनट तक ही बस भूनना है इसको अच्छे तरीके से, ताकि मसाले में अच्छे से ये भी भून जाए। तो ये देखिए, सारी चीज़ अच्छे से भून गई है, मसाला भी अच्छे से भून गया है। बस क्या करेंगे कि अब इसमें जो हमने कटहल भून करके रखा था, इसको इस तरह से निकाल कर डाल देंगे, जाकि एक्स्ट्रा जो तेल है उसी में रह जाए कढ़ाई में, और कटहल और आलू डाल देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए, सारे आलू और कटहल को हमने डाल दिया है, अब इसको भी हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके भूनना है, ताकि मसाले अच्छे से इसमें कोट हो पाए, आलू और कटहल में अंदर तक इसमें मसाले जाए। और इसको भून करके हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे जो भी आप घर में गरम मसाला इस्तेमाल करते हो बाजार वाला, वो डाल दें। तो मैंने इसको 1 चम्मच डाल दिया है। देखिए, बिल्कुल कम मसालों के साथ जो सब्ज़ी बनती है टेस्टी, वो काफ़ी टेस्टी होती है। ज़्यादा मसाले डाल देंगे तब भी सब्ज़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब तो इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर चावल के लिए बना रहे हैं थोड़ा अधिक डाल दें, और अगर रोटी पूड़ी के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा कम डालें। और कटहल हमने कच्चा रखा है तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ेगा, ताकि कटहल अच्छे से पक जाए इसमें। तो कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, पहली सीटी हम हाई फ्लेम पर लेंगे, फिर गैस का फ्लेम हम लो पे कर देंगे, और 4 से 5 सीटी और इसे हम आने देंगे। तो ये देखिए, पूरा अच्छे से पक गया है। तो
तो 5 सीटी हमने इसमें लगाई है फ्रेंड्स, और कटहल भी अच्छे से पक गया है। तो पहले मिक्स कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कटहल कितना अच्छा से पक गया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, और झटपट से बन करके तैयार भी हो गई है। कोई दिक्कत नहीं हुआ है बनाने में इसको, बिल्कुल आसान तरीके से हमने बना करके कटहल की सब्ज़ी को तैयार किया है। तो चाकू की हेल्प से देखिए कटहल बिल्कुल अच्छे से पक गया है, और ये देखिए पानी भी एकदम सही मात्रा में पड़ा था। तो अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब एकदम ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनी है। तो आप भी इस होली ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और इस तरह से घर पर आसान तरीके से बिना झंझट के कटहल की सब्ज़ी बनाएं। और आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।